एक अतिरिक्त सचिव भारत सरकार का, उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, एक सिविल ऑफिसर अतिरिक्त सचिव भारत सरकार का, उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो है 60,000 रुपए। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी की कम कर दीजिएगा, लेकिन जो हमारा फौजी मैदान में लड़ रहा है, सरहद पर लड़ा रहा है, उसको अगर इंजरी हो जाती है, उसकी जो लेफ्टिनेंट जनरल को मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन वो 27,000 रुपए है। लेफ्टिनेंट जनरल को डिसेबिलिटी पेंशन 27,000 रुपए और अतिरिक्त सचिव को डिसेबिलिटी पेंशन 60,000 रुपए। ये न्यायपूर्ण नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी की कम कर दीजिए, लेकिन जो सैनिक लड़ते हैं मैदान में गोली और बम से रोज का उनका मुकाबला होता है, उनको आप सिर्फ 27,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि एक एडिशनल सेक्रेटरी को 60,000 मिल रही है। इसी तरह जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसमें कुछ लोग कुछ सालों के लिए काम करते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोगों को पहले पूरी पेंशन और जो फैसिलिटीज वो मिला करती थी। अब इस सरकार ने जो आजीवन जो मिलिट्री पेंशन मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को, उसको खत्म कर दिया है। और ये कहा गया है कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन करते हैं और आपको बाद में इलाज कराना पड़ता है, तो आप उसकी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, आप प्राइवेट में इलाज कराइए और फिर रीइंबर्स करिए, वो भी 50%। अगर मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन में काम किया है, पहले मुझे आजीवन मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, मेरे परिवार को मिलती थी, अब मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना पड़ेगा और फिर भरपाई के लिए, रीइंबर्समेंट के लिए मैं सरकार को दस्तावेज पेश करूंगा, बहुत ब्यूरोक्रेटिक झगड़ों के बाद मुझे 50% उसका पैसा मिलेगा। ये सारे कारनामे पिछले 6-7 साल में भारत सरकार ने हमारे बीच में लाके रखे हैं। अब साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो सेना की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये लोग बहुत खतरनाक इलाकों में ड्यूटी करते हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर पूर्व का इलाका है, जहां बहुत चुनौतियां प्रतिदिन होती हैं, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को केंद्र की सरकार ने शहीद का दर्जा देने से मना कर दिया है, वंचित रखा है। जो लोग आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे जाते हैं, उनको वो शहीद का दर्जा जो एक सैनिक को मिलता है, वो उसे वंचित रखा है। हम समझते हैं कि ये गलत है। अगर वर्दी पहनकर जवान छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में कहीं आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से अटैक में इंजर्ड हो जाता है, मारा जाता है, तो उसके परिवार को वो फैसिलिटी, सुख सुविधा मिलनी चाहिए जो हमारे सेना के या वायुसेना या नौसेना के सैनिकों को मिलता है। ये विसंगति दूर करनी चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके बीच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग चाहते हैं एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। इन बातों को हमारे सांसदों ने पार्लियामेंट में कई बार उठाया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं, संसद में चर्चा नहीं होती, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता नहीं है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए हमारे सैनिक बलों के, सेना के जो शौर्य है, जो हमारे सैनिक जो बहादुरी से काम करते हैं, उसमें हम सबको फक्र है। लेकिन जो आज सरकार में बैठे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि उनकी मदद के लिए सामने आए? और जो मैंने सारे आंकड़े आपको गिनाए हैं, ये दस्तावेज मौजूद है, मैं आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जो लोग अपने आप को इतना देशभक्त कहते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित कहते हैं, सैनिकों के मान सम्मान की कसमें खाते हैं, उनको सबक लेना चाहिए पहले के नेताओं से। आज 50 साल पूरे हुए हैं सन 71 की लड़ाई को, जब ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। 71 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, भारत कोई बहुत मजबूत देश नहीं था, आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर थे, और मुझे याद है जब इंदिरा जी ने लड़ाई का ऐलान किया था तो अमेरिका ने कहा था कि बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे, तब भी इंदिरा जी ने कहा हम डरेंगे नहीं, और तब की मिलिट्री ने उस पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत बंगाल जो देश बना उसमें मदद करी, सहायता करी, और 95,000 सैनिकों को, अफसरों को हमने अपनी कैद में लिया एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। बाद में हमने इनको छोड़ा, लेकिन वो समय था जब सेना के शौर्य को, ताकत को लोगों ने बल दिया, मदद करी।
तो सिर्फ लिप सर्विस करने से या सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होगा, हम लोगों को जमीन पर आकर उन लाखों लोगों की, लाखों बल्कि करोड़ों लोग जो उसके परिवार के लोग हैं, उनकी मदद के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए, जो वादे हम लोगों ने किए हैं उसको पूरा करना चाहिए, और जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उनको जनता के सामने आके एक पारदर्शी तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन पूरे आंकड़ों की गहराई तक जाना चाहिए और समय रहते इसको इंप्लीमेंट करें ताकि सब लोगों को फायदा मिल सके। और जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारी फौज, हमारे सैनिक, ये हमारी धरोहर हैं, ये हमारे एसेट हैं, इस पे हमें फक्र है, गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ आर आर्म फोर्सेस। इसलिए देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस, बट एज अ पॉलिसी वी बिलीव इट इज आवर ड्यूटी, आवर राइट, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द फैक्ट्स आर नोन टू द पीपल सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली रियलाइजेस दैट दे हैव टू मेक द बजटरी एलोकेशंस, प्रोवाइड द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स दैट दे हैव देमसेल्व्स अनाउंस्ड टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड। ये मैं आपके सामने कहने के लिए जयपुर से आया था। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव चल रहे हैं पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में हम लोग दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। मैं कल उत्तर प्रदेश में था, वहां पर भी साथियों 5 साल से ना तो समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, विपक्ष का काम किसी ने नहीं किया। विपक्ष का जो काम है, चाहे लखीमपुर खीरी का हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे हाथरस का हो, दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का, उस आवाज को उठाने का काम हमने किया। हम छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया। इसलिए आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव दैट वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन 3 स्टेट्स एंड वी विल डू वेरी वेल। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत घबराई हुई है और वहां के जो सिटिंग विधायक हैं, मंत्री हैं, वोट छोड़ छोड़ के बीजेपी सरकार भाग रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। और कल राहुल गांधी जी पंजाब में आए थे, अमृतसर गए थे, मथा टेका उन्होंने, और पूरी पार्टी यूनाइटेड ही चुनाव लड़ रही है और हम पहले से ज्यादा बहुमत लेके पंजाब में सरकार बनाएंगे, ये मेरा पूरा आश्वासन है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, चौथे पर रहे थे, जमानत तक हो गई थी, तो उनको हराने का विचारधारा को
बॉम्बे को बताना चाहते हैं कि ये सच्चाइयां हैं। एक तो लचीला भाषा में खरबों रुपए अखबार में, इश्तिहार में, होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर में, और एक जमीन पे क्या हाल है, एमएसपी का क्या हाल है, खरीद कितनी हो रही है, किसान क्या कर रहा है, नौजवान क्या कर रहा है, रोजगार के क्या हाल है, दवा के, शिक्षा के, चिकित्सा के, सड़क के, वो सब जनता को बताने चाहिए और फिर निर्णय करेंगे। ये हम जाके पॉजिटिव होने वाले हैं। बीजेपी के सिटिंग मंत्री स्वयं साल मौर्य, श्रीमान सैनी, उत्तराखंड हरि सिंह रावत, जो डबल इंजन की सरकार बात तो कर जैसा हमारे पास बात तो आप उठा रहे हो, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन
अरे सर जी,